हेलो, क्या हुआ है काका? है काका, क्या नाम है आपका? है नाम क्या है आपका? है राम जी? दोस्तों, अभी हमें सहारा मान दरवाजा सूरत के नज़दीक है। ये अंकल यहाँ पे रहते हैं। आप उनकी हालात को आप देखिए, किस तरह से उनका घर है, जो रहने के लिए ऊपर छत नहीं है। ये ताड़पत्री के माध्यम से वो अपने शरीर का ख्याल रखते हैं और यहाँ पे वो पड़े रहते हैं। देखिए आप, એટલે ઉનટ ગયા, પાણી તો આપવું પડે ને? અરે પાણી હું તો ખાવાનું પણ આપતો હતો, પણ એ જો કે આ બીરી જોઈ તો બીરી હોવ માંગે, જે હોય તે માંગે, સમજા પડી ગઈ? એટલે કંટાળી જાય કે નહીં માણસ? એટલે માણસ કંટાળી, મારી જગ્યા પર તમે હોય તો તમે પણ કંટાળી જાય કે એક ફેરી આપે, બે ફેરી આપે? હું ને તમે નથી એટલે કદાચ હું તો ના કંટાળું. એ ભાઈ સાહેબ, આપ કિતને દિન સે જાનતે હો ભૈયા? ये तो कम से कम 15-20 साल से भाई ऐसी हालत में। ऐसी हालत नहीं है, ये अच्छा था, कमाता धमाता था। पहले संजा मशीन चलाता था भाई। अच्छा, ये उड़ीसा का है। उड़ीसा से? हाँ। तो उनका परिवार में कोई? परिवार नहीं, ये जिंदगी हमारे वालों के साथ ही चले गई है भाई ये। अच्छा, मतलब तुम्हारा कुछ काम करते हो, तुम खाने देते हो, ये कर दे वो कर दे, ऐसा काम करके दो पैसे कमा के चले क्या जाता नाम है अंकल का? इनको हम भाईना भाई से पहचानते, भाईना भाईना भाई। हाँ, उड़ीसा वहाँ में भाईना मतलब भाई को भाईना बोलते हैं उड़ीसा के अंदर। अच्छा, तो वो हिसाब से इसको भाईना भाईना बोलते हैं। बस यही उनका घर है? ये घर भी तो ये नहीं रहते हैं, समझ लो यही उनका घर। हाँ, यही उनका घर है अभी। दोस्तों, हालात बहुत ही ख़राब है अंकल की। ये ताड़पत्री के सहारे और कहीं ना कहीं यहाँ पे उनके कपड़े वगैरह पड़े। उस साइड भी दिखाइए भाई कि कितनी बुरी हालात के साथ वो यहाँ पे अभी रह रहे। और चलिए कोई बात नहीं, आज सूरत मान दरवाजा, मान दरवाजा का एरिया, खटोदरा कॉलोनी, खटोदरा कॉलोनी, बरोबर, बोरा लोगों की कब्रिस्तान, बोरा लोगों की कब्रिस्तान के पास। अच्छा, बहुत ही बुरी हालत है। पता नहीं कितने दिनों से उनकी मानसिक स्थिति तो खराब है, पर पूरे हाथों में सभी जगह पे टॉयलेट भरा हुआ है और ऐसे ही पड़े रहते। इधर आ जाओ कैमरा मैन, इधर इधर इधर। अंकल, ए भाई ना, क्या नाम है आपका? राम भाई है? अरे राम भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हो आप? अच्छा, खड़े हो जाओ, चलो अभी बाद में बात करते हैं। आपने कितने दिनों से खाना नहीं खाया? लो तो भैया लियो, बाहर चलो, बाहर खड़े रह जाएगा कि नहीं? बाहर 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 चलो, खींच लो, चल भाई, ये पकड़, मेरा बॉक्स भी उबा नहीं रहा। हाँ हाँ, पर हम खींच तो लिए बाहर। नहीं हो पा रहे हो खड़े? चलो कोई बात नहीं, हम ले लेते हैं। गान खींच रहा है भाई, गान खींचने जाए। ये पैंट पकड़ लो, एक मिनट रुको। दोस्तों, पता नहीं ऐसी गलियों में शायद किसी को पता चलता कि यहाँ पे ऐसे एक व्यक्ति बीमार है या फिर उनकी हालत इतनी खराब है। यहाँ पे बैठा हूँ, ये ऐसे लावरी जैसा 20 साल से, 20-22 साल से तो मैं पहचानता हूँ इसको, कोई ध्यान देता ही नहीं था। नहीं, ये इसकी आदत क्या है, किसका कुछ उठा ले, किसका कुछ उठा ले, ये हिसाब में इसको कोई ध्यान नहीं देता। अस्पताल जाना है अंकल, दवाखाने चलना भाई, एम्बुलेंस में कॉल लगाओ। कई बार कैसे देख, पानी दो ना थोड़ा, 108 108। लो लो पानी पियो। लो
लो दोस्तों, शायद टाइम पे जो किसी व्यक्ति ने, हमारी गवर्नमेंट इतनी अच्छी सुविधा देती है मेडिकल की, जहाँ पे ऐसे व्यक्ति जो लावारिस होते हैं, तो शायद आज उनको सही सारवार मिल जाती और आज उनको ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये लो पानी पियो। कितने दिनों से खाना नहीं खाया? अभी वहाँ पे सामने अंकल के सामने एक भैया रहते हैं, वो बोलते हैं, अभी गुजराती में बोल रहे थे कि मैं उनको पानी देता हूँ तो बार बार मांगते और मैं परेशान हो जाता हूँ, बार बार मांगते हैं इसकी वजह से। ऐसे भी लोग होते हैं जो ऐसे व्यक्तियों के हरकतों की वजह से परेशान हो जाते हैं और पानी पिलाने में भी उनको शायद ऐसा लगता होगा कि परेशानी है। ये सब सुन के बहुत अजीब लगता है। लो पानी पियो। हेलो, हाँ जी, हाँ आओ आओ जी, हाँ आओ आओ। अब भैया आगे लो, रखो, आ रहे आ रहे। घर पे क्यों नहीं जाते हो आप ओडिशा में, हैं? चलो पानी पियो। लो, इतने दिनों से उनको खाना नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से वो कमजोर हो चुके। उनको तो खबर भी नहीं था कि भाई इधर है, हम लोग तो गले लगा गांव गया। ये तो अभी हम तुम आए तो हमको मालूम पड़ा कि गली में, वो भाई ने बोला कि ये भाई गली में भाई ना है बोले। कितने दिन से पता नहीं था? कम से कम 2 महीने से पता नहीं था मुझे। अच्छा, मैं तो ये आता था 10 रुपये 5 रुपये मांग के जावे। शायद उनको यहाँ पे वो मर भी जाते तो पता भी नहीं। हाँ, नहीं चलता था क्योंकि ये ज़्यादा करके आगे वाले लोकेशन पे रहते थे, ये तो पीछे वाले लोकेशन पे अभी पहली बार देखा मेरी। अभी वो सामने वाले अंकल बता रहे थे कि मैं पानी देता हूँ तो बार बार परेशान करते हैं मुझे, तो लोग पानी पिलाने में भी शायद उनको परेशान। अरे भाई, आज का ज़माना किसके पास टाइम नहीं है? पोपट भाई जैसे तुम्हारे ऐसे लोग है तो दुनिया चल रही है, समझ लो। कोशिश करते हम। हाँ, और दोस्तों अंकल की हालत आज ये देखनी नहीं पड़ती, शायद जो टाइम पे उनको सारवार मिल जाती। अभी वो माइग्रेन है, भाई बता रहे कि वो ओडिशा से और शायद वो बरसों से यहाँ पे रह रहे हैं, जिसके कारण वो अभी घर जाना ही भूल गए हैं। बट चलिए, कोशिश है। आ गई एम्बुलेंस, ये बीजा माटे गए। चलो काका, बस काका बेचारे कब से धक्का लगा रहे थे, कोई रुक नहीं रहा था। दोस्तों एम्बुलेंस भी आ चुकी है। आप अंदर, हमारी गवर्नमेंट की सुविधा इतनी फास्ट है, जो हमने तो ये महसूस किया है कि भाई चलो गवर्नमेंट का सभी फैसिलिटी मिलता है, बट ये कोशिश जो हम सब लोग करेंगे तो शायद ऐसे कोई व्यक्ति बीमारी के कारण जो उनको इस दुनिया से जाना पड़ता है तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता है। हॉस्पिटल जाना है ना, हैं? बस चलो। अरे पता नहीं, वो यहाँ से कमर से खड़े नहीं हो पाते, 2-3 महीने से तो यहाँ पे पीछे ही पड़े रहते थे लावारी से, और घर भी उनका कुछ है नहीं, ऊपर ताड़पत्री मार के बैठे थे। बस उड़ीसा का ही 2 दफे टिकट निकाल के हम लोग ने दिए, गया नहीं। उड़ीसा का ही 2 दफे मैंने टिकट निकाल के दी, स्कूल गया नहीं। ब्राह्मण है जात का, ब्राह्मण है। हाँ, ये ब्राह्मण है। अरे जात का 2 दफे तो मैंने टिकट निकाल के दी स्कूल, माँ बाप सब है उसके, मगर ये जाता नहीं है। हम लोग 2 दफे उसको टेशन छोड़ के आए, टेशन से आ गए। ओ भाई ने क्या हुआ बहन? नंबर मोबाइल नंबर आपका। पहला भाई ने कॉल किया, किसने किया?
वो आगे है। ये एड्रेस अपना मांग दरवाजा कॉलोनी। कितने दिनों से ऐसे था? ये तो बहुत साल से इधर है अपने यहाँ पे। मतलब बीमार कोई नहीं है यहाँ पे, ये जवानी से यहीं पे। अच्छा। और ये है उड़ीसा का रहने वाला है। दो दफे हम लोगों ने टिकट निकाल के दिए मगर ये जाता नहीं है। और जात का ब्राह्मण है, इसका घर भी है, इसके माँ बाप बहन भाई सब शायद वीडियो के माध्यम से उनको सबको पता चले, खबर पड़ जाए। तो इसके लिए मैं तुमको बता रही एड्रेस एड्रेस उड़ीसा का। उड़ीसा से जितने भी लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो वहाँ तक भेजिए क्योंकि शायद उनके परिवार तक। जात का ब्राह्मण है। अभी बाइक को लेके हम जा रहे हैं सिविल हॉस्पिटल जहाँ पे उनका अच्छा सारवार होगा और उनका अच्छा निदान होगा। कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं। आप ऐसे ही आसपास जितने भी लोग होते हैं तो उनकी मदद करने के लिए आगे आइए क्योंकि कभी क्या होता है कि ऐसे हमारी गवर्नमेंट तो सपोर्ट करती है पर कहीं कभार हम भूल जाते हैं आलस की वजह से, ऐसे व्यक्ति बीमारी के कारण मर जाते हैं। थैंक यू, आप भी अपने आसपास लोगों की मदद कीजिए। अभी हम जा रहे हैं सिविल हॉस्पिटल, वहाँ पर भी आपको दिखाते हैं, चलिए भाई साहब। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं सिविल हॉस्पिटल जहाँ पे भाई का हम एडमिशन अभी करवाएंगे और बस वीडियो इसलिए बनाते हैं कि आप भी इसे कुछ सीखिए और थोड़ा सा टाइम निकालिए ऐसे व्यक्ति के प्रति जो लावारिस है, बिन वारसी है, जिनका कोई आगे पीछे है नहीं। और कहीं ना कहीं ऐसे जब बीमारी लग जाती है तो हमारी एक इंसानियत की ही जरूरत रहती है। तो बस आप भी थोड़ा सा टाइम निकालिए, हमारी गवर्नमेंट हमें अक्सर सपोर्ट करती है बट कहीं ना कहीं उनको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि साथ में मिलकर हम काम करेंगे तभी हमारे देश में जो गरीबी है उनका हम थोड़ा सा अंश में हम मुक्ति ला सकते हैं। चले अभी हम जा रहे हैं सिविल हॉस्पिटल, वहाँ पे उनका एडमिशन करवाते हैं, उनको सही सारवार दिलाने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। पूरा देखिए एपिसोड आप। थैंक यू सो मच। नहीं गिरे थे, तकलीफ क्या हो रहा है अभी? कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा तो फिर यहाँ आने की क्यों जरूरत पड़ी? कमजोरी लग रही है? काफी दिनों से खाना नहीं खाया ऐसा लग रहा है। आपका घर कहाँ पे है? उड़ीसा में है? कौन सी जगह? उड़ीसा कमजोरी है, बीपी लो थी गयू ना। दोस्तों हमारी गवर्नमेंट बहुत ही सपोर्ट करती है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसे पेशेंट को जरूर भेजना चाहिए। थोड़ा सा टाइम निकालिए क्योंकि ऐसे डॉक्टर हमारी ऐसी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। कोई बात नहीं, अंकल की सारवार यहाँ पे चालू हो चुकी है। थैंक यू।